दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय करियर अकेडमी स्कूल नाहन। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। वो यहां कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की प्रशासन पर पकड़ कमजोर है, जिसके चलते जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबोधन के दौरान सात खड़े स्थानीय विधायक की प्राउटिंग पर उन्होंने अपना भाषण स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित करते हुए कहा कि संगड़ाह में डिग्री कॉलेज, तहसील, अस्पताल व शिक्षा अधिकारी कार्यालय आदि संस्थान कांग्रेस की देन है। ददाहू व नोहराधार में तहसील कार्यालय भी उन्हीं की पिछले सरकार के कार्यकाल में ही खुले हैं, जबकि भाजपा ने यहां जनता को केवल सपने ही दिखाए हैं। बाद दोपहर संगड़ाह में आयोजित कांग्रेस मंडल इकाई के महाअधिवेशन अथवा चुनावी सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, लोकसभा प्रत्याशी कर्नल शांडिल व स्थानीय कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने भी प्रदेश व केंद्र सरकार की निंदा की। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए संगड़ाह से जयप्रकाश की रिपोर्ट। करियर अकादमी स्कूल नाहन ने लगातार 3 सालों में बोर्ड परीक्षा के मेरिट में पाया पहला स्थान। करियर अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है, जहां के छात्र विभिन्न परीक्षाओं में शानदार कामयाबी हासिल कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश भर में एक बार पुनः अपनी सफलता का डंका बजाया है। करियर अकादमी स्कूल की छात्रा प्रीति विरसांटा ने जमा 2 कॉमर्स में हिमाचल में पहला स्थान और नित्या ने 4था स्थान हासिल कर करियर अकादमी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन का नाम रोशन किया। स्कूल के चेयरमैन एसएस राठी, मुख्य समन्वयक श्री मनोज राठी तथा श्री ललित राठी ने छात्रों को उनके शानदार सफलता पर शुभकामनाएं दी।